उत्तर प्रदेश की फतेहगढ़ पुलिस ने गुणवत्तापूर्वक विवेचना व प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 2 माह 15 दिन के अंदर माननीय न्यायालय से आरोपी को मृत्युदंड की सजा दिलवाई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर जिले में तारीफ हो रही है। ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत पास्को एक्ट के आरोपी को मृत्युदंड की सजा का ऐलान हुआ है। पास्को एक्ट के आरोपी को 2 माह 15 दिन के अंदर मृत्युदंड की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई है और आरोपी पर 2,20,000 रुपये न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, आरोपी ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद फतेहगढ़ पुलिस ने गुणवत्तापूर्वक विवेचना व प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 2 माह 15 दिन के अंदर माननीय न्यायालय से आरोपी को मृत्युदंड की सजा दिलवाने का ऐलान कराया है। पूरा मामला थाना कंपिल क्षेत्र के कटिया गांव में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने मात्र 2 माह 15 दिन के अंदर मृत्युदंड की सजा आरोपी को सुनाई है। आइए आगे आपको सुनाते हैं इस मामले पर फरुखाबाद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने क्या कुछ कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फरुखाबाद। सर, श्रीमान डीजीपी महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्वेक्शन के तहत जो फतेहगढ़ पुलिस ने माननीय न्यायालय से मृत्युदंड की सजा करवाई है, उसके संबंध में अपडेट कर दीजिए। फतेहगढ़ पुलिस ने 2 महीने 15 दिवस के भीतर एक सनसनीखेज घटना जो थाना कंपिल क्षेत्र में हुई थी, उसमें 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला था, में अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दिलवाई है। फतेहगढ़ पुलिस ने काफी अच्छी विवेचना की, इसमें साइंटिफिक एविडेंस को काफी महत्व दिया गया, जिसमें कि डीएनए रिपोर्ट भी है और साथ में मौके पे ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था और उनसे भी वहां पे अभियुक्तों का सैंपल लिया गया था। इन सभी साक्ष्यों के दम पर और प्रभावी पैरवी करते हुए फतेहगढ़ पुलिस 2 माह 15 दिवस के भीतर अभियुक्त शाहिद पुत्र इकरार हुसैन को मृत्युदंड दिलाने में सफल हो पाई है। ये फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा ऐसा कारनामा दूसरी बार हुआ है, जब इस वर्ष जब से ऑपरेशन कन्विक्शन डीजीपी महोदय सर का चल रहा है, तब से ये दूसरा मृत्युदंड फतेहगढ़ पुलिस ने दिलवाया है और आज के इस कार्य के लिए माननीय एडीजी महोदय ने पूरी टीम को 50,000 रुपये का इनाम दिया है और साथ में सभी गश्ती अधिकारियों के प्रशस्ति पत्र की घोषणा की है।